नमस्कार दोस्तों, लर्नर डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, जो भी कंट्रोल्स दिए गए हैं उनका क्या मतलब होता है और क्या फंक्शन हो रहा था। तो इस समय हम डेमो कर रहे हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के अंदर, और लगभग सिमिलर इंटरफेस आपको मिलता है किसी भी गाड़ी के अंदर जिसके अंदर ऑटोमेटिक एसी होता है, और सिमिलर बटन्स एंड नॉब्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी बटन्स एंड नॉब्स का क्या फीचर और क्या फंक्शन रहता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लेफ्ट से राइट की ओर। तो लेफ्ट में अगर आप देखें, यहाँ पर नॉब के ऊपर इंडिकेशन बना हुआ है फैन का, दैट मीन्स ये फैन स्पीड को कंट्रोल करने के काम आता है। तो इससे आप मैन्युअली देखिए इस प्रकार फैन स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। वहीं जिन गाड़ियों में रियर वेंट्स दिए गए होते हैं या सेकेंड रो एसी दिया गया होता है, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तभी आपके रियर वेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस समय इनोवा क्रिस्टा में हम डेमो कर रहे हैं, और जैसे ही आप इनोवा क्रिस्टा में ये बटन प्रेस करते हैं तो आपके रियर एसी वेंट्स जो हैं वो इस समय अनेबल हो गए हैं। हालांकि उनकी स्पीड, उनकी फैन स्पीड को आप कंट्रोल करने के लिए वहीं पर इंडिविजुअल कंट्रोल दिया गया है। दूसरा, आप बढ़ते हैं एसी बटन, जो कि एक नॉर्मल आप देख सकते हैं हर गाड़ी में होता है। इसे ऑन करते ही आपका एयर कंडीशनर ऑन हो जाता है, एल्स अगर आप इसे बंद रखते हैं तो केवल फैन ही ऑपरेट करता है। तो एयर कंडीशनर ऑन करने के बाद जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर आपने सेट करता है वही टेम्परेचर आपका सेट हो जाता है। नेक्स्ट बटन की ओर बढ़ें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एयर सर्कुलेशन डिपेंड करता है कि आपको फ्रेश एयर चाहिए बाहर से कि इनर एयर सर्कुलेट हो। तो अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो इनर एयर सर्कुलेट होती है, और अगर इसे ऑफ रखते हैं तो बाहर से फ्रेश एयर इनटेक होती है केबिन के अंदर। अफेक्टिव कूलिंग के लिए प्रेफर किया जाता है कि आप इस बटन को ऑन रखें। नेक्स्ट बटन जो दिया गया है वो फ्रंट डिफोगिंग का काम करता है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आप देखिए इस समय जो एयर सर्कुलेशन है वो आपका एयर वेंट्स की जगह जो फ्रंट विंडशील्ड वाले वेंट्स हैं वो विंडशील्ड के ऊपर एयर ब्लो कर रहे हैं। इसे जैसे ही ऑफ करेंगे तो वापस से आपका जो एयर का पोजीशन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपके फ्रंट वाले एयर वेंट से एयर ब्लो इस समय पर हो रहा है। इस पोजीशन को चेंज करने के लिए नेक्स्ट बटन का यूज किया जाता है। जो मैनुअल एयर कंडीशनर जिनमें आता है उनके अंदर आपको रोटेट करने वाला नॉब मिलता है, सेम वे इसके अंदर आप इस बटन को बार बार प्रेस कर डिफरेंट मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस समय एयर ब्लो हो रहा है आपके फ्रंट एयर वेंट्स के थ्रू। इससे अगर आप प्रेस करेंगे तो इस समय आपका फ्रंट के साथ साथ लेग्स पर भी आपका एयर ब्लो हो रहा है। अब ओनली लेग्स के ऊपर एयर ब्लो हो रहा है। नाउ लेग्स एंड फ्रंट विंडशील्ड, ये कॉम्बिनेशन यूजुअली सर्दियों में यूज किया जाता है जब आप हीटर का प्रयोग करते हैं, और अगेन बाय डिफॉल्ट फ्रंट एयर वेंट्स आपके अनेबल हो गए हैं। नेक्स्ट बटन जो दिया गया है ये रियर डिफोगर को अनेबल करने के काम आता है। रियर में कोई एयर ब्लो नहीं होती है। जो रियर डिफोगर दिए गए हैं, जो ये लाइंस आप देख रहे हैं, तो इन्हें जैसे ही आप ऑन करते हैं ये बेसिकली कॉपर वायर्स होती हैं जो कि हीट अप कर जो भी फॉग आपके विंडशील्ड पर जमा है उसे दूर कर देती हैं। उसके बाद अगर आप पूरे एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ऑफ करना चाहते हैं इंक्लूडिंग फैंस, आप इस बटन का प्रेस कर सकते हैं। अब इस समय पर पूरा एयर कंडीशनिंग यूनिट आपका ऑफ हो गया। इसे वापस ऑन करने के लिए आप दोबारा से ऑटो या फिर आप अगर फैन को भी ऑपरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एयर कंडीशनर वापस ऑन हो जाता है। वहीं जो राइट हैंड साइड वाला नॉब है इसमें आप इंडिकेशन देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर लिखा गया है, तो ये बेसिकली टेम्परेचर सेलेक्ट करने के काम आता है। अब मान लीजिए मैंने डिजायर टेम्परेचर यहाँ पर 24 सेलेक्ट कर दिया है, तो अब इसे अगर मैं ऑटो बटन को प्रेस करता हूँ तो अब ऑटोमेटिकली एयर कंडीशनर एयर स्पीड को वेरिएट करेगा। देखिए ऑटोमेटिकली एयर स्पीड जो है वो बढ़ गई है, सो दैट जो भी आपका डिजायर टेम्परेचर है वो जल्द ही सेट हो जाए, क्योंकि इस समय आपने ऑटो मोड सेलेक्ट किया है। तो अगर आप टेम्परेचर को और लो कर देंगे तो आपका एयर स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ताकि जल्द से जल्द वो टेम्परेचर को कम कर सके। वहीं जैसे ही आप इसे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एयर स्पीड वापस कम हो गया। तो ऑटो मोड यूज़ करने पर आपका जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर होता है वो एयर स्पीड वेरिएशन के थ्रू सेट किया जाता है।
तो आई होप इन सब बटन्स को ऑपरेट करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।